नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे उपाय की जिसके करने से आपकी समस्त दुविधाएं, समस्त समस्याएं और जो भी आपके काम नहीं बन पा रहे हैं वो आसानी से बन जाएंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बीज मंत्र की जिसके करने मात्र से, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है और अगर आप उसको नियमित उसका जाप करते हो तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। अब आप ये कहेंगे कि अगर मैं मेहनत ही नहीं करूँगा तो मुझे ये सब चीज़ कैसे प्राप्त होगी, और अगर मैं मेहनत करूँगा तो फिर मुझे इन सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्यों माला जपना है, क्यों भगवान की पूजा करना है, अगर मैं मेहनत करूँगा तो सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता होता तो आज दुनिया के सारे मजदूर करोड़पति होते, लेकिन वो बेचारे मजदूर ही हैं क्योंकि उनकी किस्मत में, यानी कि उनके भाग्य उनके साथ नहीं है। मेहनत तो है लेकिन उसके साथ भाग्य भी होना उतना ही ज़रूरी है। तो हम अपने भाग्य को किस तरह से बदल तो नहीं सकते, लेकिन किस तरह से उसको अच्छा बना सकते हैं, इसी प्रयास में, इसी के लिए आज हम ये बात करने वाले हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, मतलब हम 10 चीज़ों के पीछे भागने की बजाय अगर एक चीज़ को पकड़ें तो हम उससे ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आज एक मंत्र आपके लिए लेके आया हूँ, मात्र एक मंत्र अगर आप करते हैं, उसका जाप अगर करते हैं डेली, तो मुझे नहीं लगता कि आप दुनिया में कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते, सभी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए हम जानते हैं कि वो कौन सा मंत्र है जिसके थ्रू आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आज आपको लग्न, आपकी लग्न कौन सी है उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा मंत्र का जप करना चाहिए। और अब लग्न कैसे प्राप्त, तो अब लग्न कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी लग्न क्या है, तो बहुत आसान है लग्न जानने के लिए। अगर लग्न आपको पता नहीं भी है तो आप राशि से काम चला सकते हैं। लग्न जानने के लिए मैं बता देता हूँ कि देखिए, जैसे ये कुंडली आप देख रहे हैं, कुंडली का जो प्रथम भाव है, कुंडली का प्रथम भाव में जो भी नंबर लिखा होता है, ठीक है, कुंडली के प्रथम भाव में जो भी नंबर लिखा रहता है उस नंबर की राशि को हम लोग लग्न बोलते हैं, ठीक। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी राशि का क्या नंबर है। तो देखिए, सामने आपको दिख रहा होगा कि जैसे एक लिखा जहाँ पर, वहाँ पे मेष राशि है, दो लिखा वहाँ पे वृष राशि है, इस तरह से सारी राशियों के नंबर लिखे हुए हैं, तो आपने नंबर पता कर लिए। ओके, चलिए हम बात करते हैं हमारी पहली दो लग्न की। अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में, अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 1 लिखा है या 8 लिखा है, ये तो 1 लिखा या 8 लिखा है, अगर दोनों में से कोई भी अंक लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी लग्न या तो मेष होगी या वृश्चिक होगी। अगर आपको ऐसा पता नहीं कर सकते तो मैं आपको तारीख बता देता हूँ। अगर आपका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ है तो आपका जो लग्न है वो मेष लग्न होगी, और अगर आपका जन्म 21 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में हुआ है तो आपकी जो लग्न होगी वो वृश्चिक लग्न होगी। इस तरह से भी आप अपनी लग्न का पता कर सकते हैं। ये भी अगर नहीं पता है तो आप अपने अक्षर देख लीजिए, सामने स्लाइड है उसके आप ऊपर आप अक्षर देख लीजिए, चाचे ची ये लिखा जो लो तक लिखा है वो आपकी मेष लग्न होगी, और अ से लगा कि यू तक जो लिखा है वो आपकी वृश्चिक लग्न वाली कुंडली होगी। इस तरह से आप पता कर सकते हो कि आपकी लग्न कौन सी है। अगर आपकी लग्न मेष या वृश्चिक में से कोई सी भी हो तो आपका जो मुख्य ग्रह होगा वो मंगल होगा, और मंगल को अगर आप स्ट्रांग करना है तो इसके लिए जो बीज मंत्र है, बहुत शक्तिशाली बीज मंत्र है, इस बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हो। बीज मंत्र क्या है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इसका इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो, या फिर जो मंगल के आराध्य देव है वो है हनुमान जी, और आप हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसके लिए मंत्र है ओम हम, इस मंत्र का जाप करके भी आप जीवन की सभी सफलता प्राप्त कर सकते हो। हम बात करते हैं हमारी दूसरी दो लग्नों की। अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 2 लिखा हो या फिर 7 लिखा हो, अगर 2 लिखा है तो वो वृष लग्न होगी, और अगर 7 लिखा है तो वहाँ पे तुला लग्न होगी। अगर आपका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच हुआ हो तो आपकी जो लग्न होगी वो होगी वृष लग्न, और अगर 21 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी लग्न होगी तुला। इन दोनों में से कोई भी लग्न है तो आपका जो मुख्य ग्रह होगा वो होगा शुक्र, और शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः का बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते तो दूसरा मंत्र, यानी कि इनके जो आराध्य देव है वो है माँ दुर्गा, और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा जी का जो बीज मंत्र है वो है ओम दुम, ओम दुम, इस मंत्र का जाप करके आप जीवन की सभी सफलता प्राप्त कर सकते हो।
अब हम बात करते हैं हमारी अगली दो लग्नों की। अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 3 लिखा हो या 6 लिखा हो, अगर 3 लिखा है तो वो मिथुन लग्न होगी और 6 लिखा है तो कन्या लग्न होगी। अगर आपका जन्म 21 मई से लगा के 20 जून के बीच में हुआ हो तो आपकी मिथुन लग्न हुई, और अगर 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी लग्न कन्या हुई। अगर आपकी लग्न वृष मिथुन या कन्या में से कुछ भी है तो आपका जो मुख्य ग्रह होगा वो होगा बुध। बुध और बुध को स्ट्रांग करने के लिए आप ओम द्राम द्रीम द्रोम सह बुधाय नमः का जाप कर सकते हो, और ये नहीं तो आप इनके जो आराध्य देव है, इनके आराध्य देव है भगवान गणेश, भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए आप ओम गम इस बीज मंत्र का जाप कर सकते हो, और इसको जाप करने से आपको जीवन में सभी सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं हम अगली दो लग्नों की। अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 9 या 12 लिखा है, 9 लिखा है तो वो धनु लग्न हुई, और 12 लिखा है तो मीन लग्न हुई। इन या फिर अगर आपका जन्म 20 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच में हुआ है तो धनु लग्न, और 21 फरवरी से 20 अगर आपकी लग्न मीन या धनु में से कोई भी हुई तो आपका जो मुख्य ग्रह हुआ वो हुआ बृहस्पति, और बृहस्पति को स्ट्रांग करने के लिए आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप कर सकते हो, और अगर ये नहीं करना चाहते तो इनके जो इष्ट आराध्य देव हैं यानी कि इष्ट देव है वो है भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप ओम दम इस बीज मंत्र का जाप कर सकते हो, और जीवन की सभी समस्या और सभी उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारी अगली दो लग्नों की। अगली दो लग्न रहेगी अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में या तो 10 लिखा हो या 11 लिखा हो। 10 लिखा होगा तो वो होगी मकर लग्न, और 11 लिखा हो तो वो होगी कुंभ लग्न। यदि आपका जन्म 22 दिसंबर से 21 जनवरी के बीच हुआ है तो मकर लग्न होगी, और अगर 22 जनवरी से 20 फरवरी के बीच में हुआ है तो आपकी जो लग्न होगी वो कुंभ लग्न होगी। ठीक है, अगर आपकी लग्न कुंभ या मकर या कुंभ में से कुछ भी है तो जो इसका मुख्य ग्रह है वो होगा शनि, और शनि को स्ट्रांग करने के लिए आप ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हो, और नहीं तो इनके जो आराध्य देव है, इनके आराध्य देव है भगवान हनुमान, और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप ओम हम इस मंत्र का जाप कर सकते हो। चलिए हम बात करते हैं हमारी अगली लग्न की। अगर किसी की कुंडली के प्रथम भाव में 4 अंक लिखा है, किसी की कुंडली के प्रथम भाव में अगर 4 अंक लिखा है इसका मतलब उसकी लग्न हुई कर्क लग्न, या फिर उसका जन्म 21 जून से 22 जुलाई के बीच में हुआ है तो कर्क लग्न है, और कर्क लग्न है तो इसके जो मुख्य ग्रह है वो है चंद्र, और चंद्र को अगर आप स्ट्रांग करना चाहते हो तो इसके लिए जो बीज मंत्र है वो है ओम श्याम श्रीम श्रोम स चंद्राय नमः, इसका आप जाप कर सकते हो, या फिर इनके जो आराध्य देव है भगवान शिव, भगवान शिव का जो बीज मंत्र है, भगवान शिव को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हो तो उनके बीज मंत्र है ओम ह्रोम ओम ह्रोम, इसका इस मंत्र का जाप करके आप उनको प्रसन्न कर सकते हो, और जीवन की सभी सफलताएं जीवन में सभी सफलताएं प्राप्त कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारी अगली लग्न की, और अगली लग्न है सिंह लग्न। किसी की कुंडली के प्रथम भाव में अगर 5 लिखा है तो इसका मतलब उसकी लग्न सिंह होगी, या फिर उसका जन्म 21 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में हुआ है तो सिंह लग्न का व्यक्ति होगा, और सिंह लग्न के लोगों के लिए जो मुख्य ग्रह है वो है सूर्य। सिंह लग्न का जो मुख्य ग्रह है वो है सूर्य, और सूर्य को स्ट्रांग करना चाहते हो तो उसके लिए बीज मंत्र है ओम राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। अगर ये नहीं करना चाहते तो इनके जो आराध्य देव है, इनके आराध्य देव है माता गायत्री, और माता गायत्री को प्रसन्न करने के लिए आप गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हो। अगर गायत्री मंत्र आपको बड़ा लगता है तो इसका जो बीज मंत्र है वो है ओम भूर भव स्वः, इसका भी जाप कर सकते हो, और आप जीवन की सभी जीवन में आने वाली सभी समस्या और सभी उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हो। तो ये थे लग्न अनुसार आपके मंत्र, आपके जपने योग्य मंत्र। अगर आप इन मंत्रों को श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव से जपते हो तो जीवन की सभी समस्याएं या जीवन में जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो वो सभी इससे प्राप्त कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।